सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष और आप देख रहे अपना यूट्यूब चैनल आशीष कैफे। तो गाइज, आज मैं आपके लिए एक न्यू वैकेंसी लेके आऊँ साउथ ईस्टर्न रेलवे की, जो अपेंटिक्स होने वाली है गाइज, ठीक है। जिसमें आपको क्या क्या होने वाला है, आपको कब अप्लाई करना है, लास्ट डेट कब है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सारी डिटेल्स आपको वीडियो पर देखने को मिलने वाली है, ठीक है। आप वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। चलिए, हम ज़्यादा समय लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, वो साउथ ईस्टर्न रेलवे की कोलकाता की है, ठीक है। ऑफिस ऑफ द चीफ परेशनल ऑफिस गार्डन रीच कोलकाता का है ये, ठीक है। जो जो अगर अप्लाई करने की इच्छुक, जरूर अप्लाई कीजिएगा। सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन फॉर इंजेजमेंट ऑफ एक्ट अपेंटिस फॉर द ईयर 2024-25 का होने वाला है, ठीक है। डेट ऑफ नोटिफिकेशन का देखिए, आज की डेट में आया है 28 नवंबर 2024 को, एंड लास्ट डेट आपकी मैं बता दूँ 27 दिसंबर 2024 शाम 5 बजे होने वाली है, ठीक है। तो जो जो इच्छुक है वो जल्दी जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी के लिए, इसमें क्या क्या मांगा है, एज क्या क्या है। तो द कैंडिडेट शुड हैव बी कम्प्लीट 15 ईयर्स, जो 15 साल से, जो 15 साल को हो चुके हैं और 24 के बीच में है, वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 15 से लेकर 24 तक में अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल 5 ईयर्स एंड कास्ट SC ST एंड कैंडिडेट 3 ईयर्स इन केस ऑफ OBC कैंडिडेट एंड 10 ईयर्स फॉर फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट। बात करें तो इसमें देखिए, 5 साल आपको SC ST वाले कैटेगरी जो है उनको छूट मिलेगा, 3 ईयर्स वाले को OBC का, और 10 साल जो हैंडीकैप मतलब जो विकलांग है किसी बॉडी से उनके मिलने वाले, ठीक है। अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय एडिशनल 10 ईयर्स फॉर एक सर्विस मैन अप टू द एक्सटेंट ऑफ सर्विस रिटेंडेंट द डिफेंस फोर्सेज प्लस 3 ईयर्स प्रोवाइडेड द हैव पुट ए मिनिमम ऑफ 6 मंथ सर्विस स्टेज। मैं बात करूँ कि इसमें जो एक सर्विस मैन उनको 10 साल की भी आपकी मिलने वाले, ठीक है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको 10th पास होना चाहिए, 10+2 एग्जाम भी हो सकते हैं। फ्रॉम ए रिकॉर्डिंग बोर्ड मतलब किसी भी बोर्ड से 50% मार्क कम से कम आपको होना चाहिए, ठीक है। और बाकी आपके पास ITI पास सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, चाहे वो NCVT हो चाहे SC VT हो, ठीक है। बात करें अब हम तीसरे पॉइंट पे मेडिकल फिटनेस, जिसमें देखिए, ए पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर बिंग ट्रेनड अंडर द अपेंटिक्स एक्ट 1961 एंड द अपेंटिक्स रूल 1992 एंड एमेंड फ्रॉम टाइम टू टाइम हर टू सी सेटिस्फाई द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल फिटनेस। और मतलब इसमें छोटा सा आपका फिजिकल होगा, ठीक है, जो डॉक्टर के द्वारा आपको करवाया जाएगा, और रेलवे में ही आपको होगा, ठीक है। अप्लीकेशन फीस की बात करें, देखिए अप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल रहेगी आपकी, 100 रुपये होने वाली है, जबकि कोई रिफंड आपके नहीं आएगी। बाकी नो फीस हाउ एवर इज टू पेड टू बाई SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट, जो आपके जो महिला उनके लिए कोई फीस नहीं होने वाली, SC ST वाले के लिए कोई फीस नहीं होगी, ठीक है। सिर्फ जनरल और OBC के लिए आपकी 100 रुपये आपको देना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको ऑनलाइन फीस होने वाला है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, देखिए आपको सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट प्रीपेड, मतलब आपको ये मेरिट लिस्ट पे बनेगा, आपको इसमें कोई एग्जाम नहीं होना चाहिए, और उसमें आपके पास आपको 10वीं क्लास में आपको 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, इसमें मेरिट में आपको नंबर लिया जाएगा आपका सिलेक्शन। इन केस ऑफ टू कैंडिडेट हैविंग द सेम, मतलब केस में किसी कैंडिडेट के पास जो जो सेम कैंडिडेट और सेम नंबर आता है, सेम सब कुछ होता है, तो उसमें उसका ओल्डर जिसका पुराना एज रहेगा उसको प्रीफर किया जाएगा, ठीक है। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट थस इनलिस्ट द रिस्पेक्टिव ट्रेड फिल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 1.5 टाइम्स ऑन द नोटिफाइड वैकेंसी। मतलब ये करा, जो आप जो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, जो कैंडिडेट चुने जाएंगे, उसको आपको कॉल कर दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। अपडेट वहाँ डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा सकते हैं। ए फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ट्रेड वाइज कम्युनिटी वाइज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्लॉट इन डिसीजन ऑर्डर परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड बाय द कैंडिडेट एज स्टेट अबव। मतलब ये करा है आपको कि फाइनल मेरिट लिस्ट जब भी अप्लाई होगा, जब आपका जो फाइनल मार्क्स बनेगा उसके आधार पर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, ठीक है। ये सिलेक्शन प्रोसेस है कुछ, ठीक है। और मैं आपको बता दूं अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई के लिए मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा। बाकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है www.rrcscr.co.in पे आप जाके अप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी ऑफिस मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डायरेक्ट आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, इसमें आपको बताया गया कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में, ठीक है। तो और इसके ऊपर मैं अलग वीडियो लूँगा। अब मैं बताता हूँ आपको पूरी वैकेंसी का डिटेल्स ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट अवेलेबल क्या है। देखिए, आपको बता दूँ नेम ऑफ ट्रेड, जो फीटर की जिसमें जनरल की 51 सीट होने वाली है, OBC की 27 है, SC की 15 और ST की 7 है। टोटल बात करें 100 सीट आपको होने वाली है। PWD की अलग 11 है, ESMS की 11 अलग है, ठीक है। टर्नर की बात करें तो इसमें देखिए जनरल की 11 है, OBC की 6 है, SC की 3 है, ST की 2। इसी प्रकार देख सकते हैं आप, सब में अलग अलग है। टोटल बात करें 182 आपकी जनरल को होने वाली है, और 98 आपके OBC की, 53 SC की है, और 27 आपके ST की। टोटल बात करें 360 वैकेंसी आपकी होने वाली है, ठीक है। अब बात करें सिग्नल एंड टेलीकॉम वर्कर्स को, जो खड़गपुर की है, इसमें देखिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की जिसमें आपको 47 पोस्ट होने वाली टोटल,
और इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक की 36 है, अब पेंटर की आपकी 2 है, कंप्यूटर ज्वाइंटर क्रेन ऑपरेटर की 2 है, टोटल बात करें तो 87 वैकेंसी आपकी होने वाली है। अब बात करें ट्रैक मैकेनिक वर्कशॉप की, जिसमें आपकी टोटल 120 होने वाली है। एसएससी वर्क खड़गपुर की बात करें तो 28 होने वाली है, ठीक है। कैरेज एंड वैगन डिपोर्ट की बात करें तो इसमें आपकी 21 होने वाली है टोटल, ठीक है। इससे पर आप देख सकते हैं सब में है अलग अलग, इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप नोटिफिकेशन के आप डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर मैं ऐसे बताऊँगा इस तो आपको बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है वीडियो। तो चलिए और मैं आगे आपको दिखा दूँ और क्या क्या आपको होने वाला है, ये आपकी वैकेंसी के बारे में जैसा कि मैंने आपको बता चुका है। और इसमें आपका मैं बता दूँ, इसमें कोई एग्जाम एग्जाम वगैरह आपका नहीं होगा, ठीक है ना। और इसमें देखिए डिसेबिलिटी रिकॉर्डमेंट वगैरह दे रखा है और ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।